साबूदाना एक ऐसा फूड है जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर होता है और इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से गठिया बाय यानी अर्थराइटस में तेजी से आराम मिलता है और बीपी भी इसके नियमित इस्तेमाल से नियंत्रित रहता है। इस उपवास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह शरीर को ताकतवर बनाता है। साबूदाना फूड तेजी से शरीर पर असर करता है और यह वजन बढ़ाने में भी सहायक है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, डॉक्टर रंजीत सिंह मेमोरियल क्लिनिक खेकड़ा ने बताया कि साबूदाना एक शरीर के लिए वरदान कहा जाने वाला फूड है। इसमें शरीर के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर ताकतवर बनता है और यह वजन बढ़ाने में भी सहायक है। तेजी से इसका असर शरीर पर होने लगता है। इसके नियमित इस्तेमाल से अर्थराइटिस कंट्रोल हो जाता है और बीपी भी नियंत्रित रहता है। यह बाजार में आसानी से मिल जाने वाला फूड है। इसका नियमित इस्तेमाल कई प्रकार से शरीर की रक्षा करता है। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि साबूदाने का इस्तेमाल बहुत ही सरल है। आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खीर बनाकर खा सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको शरीर पर चौंकाने वाले फायदे मिलेंगे। यह शरीर को बल देता है जिससे शरीर ताकतवर बनता है और वजन बढ़ाने में भी यह तेजी से सहायता करता है और हमारे शरीर की कमजोरियों को दूर कर हमें स्वस्थ बनाने का काम यह करता है। आपका नाम जानना चाहूंगा डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी। साबूदाने क्या क्या फायदा है, किस प्रकार से उपयोग में लगा सकते हैं? साबूदाना मुक्त बाज़ार में उपलब्ध होता है और साबूदाने के विभिन्न फायदे होते हैं। साबूदाना कैल्शियम, विटामिन्स और आयरन से भरपूर होता है। साबूदाने का उपयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उसको खिचड़ी बना के खा सकते हैं, उसकी खीर बना के खा सकते हैं और चूंकि वो प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत होता है तो उसको आप वह वेट बढ़ाने में और शरीर को मजबूत करने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग चूँकि कैल्शियम से भरपूर होता है तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए और गठिया बाय से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम के अलावा इसके अंदर में पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम हमारे ब्लड में जाने के बाद में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो इसका उपयोग कर सकते हैं और रोज़ कर सकते हैं। और ये एक अच्छा फूड है। उसके अलावा टाइफाइड के दौरान भी दूसरे फूड बंद कर दिए जाते हैं, नॉट परमिटेड ओरली कर दिया जाता है, कुछ खाने के लिए मना कर दिया जाता है, केवल लिक्विड डाइट पर रखा जाता है, तब भी इसको हम टाइफाइड के दौरान भी इसको पेशेंट को खिला सकते हैं।